हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एनसीईआरटी ने आरआईई के लिए सीईई एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है। ये प्रोग्राम कैसे कैसे होंगे ये डिटेल हम इसमें जानेंगे, तो आप थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त शासी संगठन है, जो केंद्र तथा राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु उनके नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी सहायता तथा परामर्श देता है। एनसीईआरटी के जो घटक इकाई हैं उनके नाम दे रखे हैं, आप मुख्य तौर पर इनमें पांच समझ सकते हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर यानी आरआईई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआईई भोपाल, आरआईई भुवनेश्वर, आरआईई मैसूर और एनईआरआई शिलांग, ये आप समझ सकते हैं। और प्रारंभ के एडमिशन भी इससे होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होती है आगे। ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में बता देता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम होंगे। यहाँ चल रहे हैं अपन। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत संचालित विभिन्न शिक्षक अध्यापन कार्यक्रमों के कौन कौन से प्रोग्राम होंगे, इसमें बीएससी बीएड यानी फोर ईयर डिग्री का प्रोग्राम है और बीए बीएड फोर ईयर डिग्री, ठीक है। एमएससी एड सिक्स ईयर, ये सिर्फ मैसूर में होता है, आरआई मैसूर में। ये बीएससी बीएड और बीए बीएड हैं, ये सभी आरआई में होते हैं, एनईआरआई को छोड़कर। तो और एमएससी एड है सिर्फ मैसूर में होता है, यहाँ ऑल इंडिया लेवल की मेरिट बनती है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ये चौथा है वो बीएड टू ईयर, तो ये आपको सभी आरआई में मिलेगा, बीएड टू ईयर। और बीएड प्लस एमएड ये सिर्फ भोपाल में होता है, थ्री ईयर की डिग्री मिलेगी, इसमें बीएड के साथ साथ एमएड की डिग्री भी मिलेगी। और छठे नंबर पे चले तो एमएड टू ईयर, ये भी सब में होता है, एनआरआई में छोड़ करके, ठीक है। तो दो वर्ष में प्रवेश के लिए पत्र आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी आपकी, तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रभावी तिथि कितनी है, 25 अप्रैल 2023। तो ये 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और ये 6 जून तक चलेगी, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी दिन रहेंगे आपके पास, लगभग 40-42 दिन रहेंगे, तब तक हम ये फॉर्म फिल कर लेंगे। तो ये कहाँ पे फॉर्म फिल करने हैं आपको, यहाँ वेबसाइट का नाम दे रखा है www.ceee.ncert.gov.in, यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, अभी उपलब्ध नहीं है। ये 25 तारीख से शुरू होगी तो अवेलेबल हो जाएंगे। और दिनांक 2/7/2023 को देश भर में विभिन्न केंद्रों पर सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी सीईई आयोजित की जाएगी। 2 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है। विवरण हेतु हमारे यूआरएल, ये यहाँ पे यूआरएल दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो समय समय पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको जानकारी मिल जाए। पूछताछ के लिए हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, यहाँ सीई 2023 फ़ोन नंबर ये दे रखे हैं, भोपाल के नंबर हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, आरआई भोपाल आयोजित करते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल ने ये नोटिस निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है, तो यहाँ इन नंबर पे आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो बता देता हूँ कैसे कैसे, यहाँ आप देख लीजिए। एक नंबर पे चलेंगे तो ये फॉर्म, ये एक नंबर पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल से शुरू होंगे और 6 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड कर सकते हैं आप, 25 जून से, ये देखिए 25 जून से 2 जुलाई तक आप अपने फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम कब होगी, 2 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगी, यानी ये 25 अप्रैल से लेकर 26 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर जो फॉर्म है उनको देखे जाएंगे कि फॉर्म तो सही भरे हैं आपने, और फिर ये सब मिल गया, सब कुछ सही मिला तो आप 25 तारीख को आपके एडमिट कार्ड है 25 जून को वो रिलीज कर दिए जाएंगे। इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30 जून को कर सकते हैं, नहीं तो 1 और 2 जुलाई को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। और कॉमन एग्ज़ाम सी एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई को हो रहा है, संडे को, ठीक है। तो अब जो चौथा नंबर का पॉइंट है, आप ये कहेंगे ये क्या है सर, लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेंट्स अपियरिंग सीई 2023 बीएससी बीएड बीए बीएड और एमएससीएड, यानी ये ग्रुप ए के लिए जो एग्ज़ाम है लेवल वन, उनके लिए जो एग्ज़ाम है फोर ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड और सिक्स ईयर एमएससीएड, उनके जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट करने हैं वो आपको 5 जुलाई से पहले पहले करने हैं,
आप कहेंगे सर हम तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे तो करके बैठे हैं। तो भाई आप लोगों ने जो 2021 और 2022 में आपने 12वीं पास की है, प्लस टू किया है, तो आप अपने मार्क्स पहले से ही अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी अभी एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, अगर नहीं आए तो वो इसमें अपने मार्क्स बाद में 5 जुलाई तक मार्क्स अपडेट कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, ये एक्सटेंड हो जाती है, डेट आमतौर पे एक्सटेंड हो जाती है जब तक सभी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाए। बोर्ड्स का जैसे राजस्थान बोर्ड का है, केरला बोर्ड का है, जब सबका रिजल्ट आ जाता है तभी ये किसी को डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता। इसकी वजह से अगर आप जानबूझ के नहीं करते वो अलग बात है। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेंट्स अपियरिंग सीई बीएड और बीएड प्लस एमएड और एमएड, इनको 15 जुलाई से पहले पहले मार्क्स अपडेट करने हैं। ये यहाँ देखिए, जिनको बीएड करनी है, 2 ईयर बीएड है या 3 ईयर बीएड प्लस एमएड है, या जो सिर्फ एमएड करनी है 2 ईयर वाली, तो उनको 15 जुलाई से पहले पहले मार्क्स अपडेट करने हैं, ये सूचना है सर। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सीई का रिजल्ट, बीएससी बीएड, बीए बीएड और एमएससी एड का रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाएगा, ये टेंटेटिव डेट है। एक्चुअली चेंज होती रहती हैं, ये 20 के बाद भी आ सकती हैं, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 20 जुलाई दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 20 जुलाई को ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और 2 ईयर बीएड और एमएड और बीएड एमएड का रिजल्ट आपको 25 जुलाई को इन्होंने बताया है कि ये डिक्लेयर कर देंगे और एडमिशन आपके शुरू हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखो स्टार लगा हुआ है, इससे समझ लीजिए आप, ये स्टार लगा है सब्जेक्ट टू चेंज बाय नोटिफिकेशन इन सीईई पोर्टल। तो ये चीज़ें हैं, ये यहाँ स्टार लगा है, यहाँ भी ये स्टार लगा है, तो ये चीज़ें हैं स्टार लगा, यानी ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्राचार्य आरआईई भोपाल के यहाँ पे साइन है। तो ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, आप लोग तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल पे सैकड़ों वीडियो पड़े हैं रीजनिंग से रिलेटेड, हिंदी और इंग्लिश में भी हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के वीडियो भी पड़े हैं, और एक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, तो वीडियो में जो बात बताई गई है उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न जब आप पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि जब उत्तर तो पहले ही बता दिया है, इन्होंने वीडियो देखा ही नहीं है, बस प्रश्न ही करना है, तो कोई मतलब नहीं उस बात का। फिर भी कोई क्वारी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ें हैं उसमें डाल दिया करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो पीडीएफ वगैरह, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद।